अब ये देख सकते हैं जितना पैडल हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आपका रेयर व्हील घूम रहा है। इट्स मीन कि इसमें मोटर जो है वो भी काम कर रही है और इसमें बैटरी कंजप्शन जो है वो काफी ज्यादा कम हो रही है। तो गाइस थैंक यू सो मच आपका वॉल्टन बूटी को इतना प्यार देने के लिए कि हम सक्सेसफुली वॉल्टन बूटी के 50,000 यूनिट डिलीवर्ड कर पाए हैं वो भी केवल एक साल के अंदर। अब वॉल्टन बूटी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों की क्वेरी को सुने। अब आप लोगों की काफी क्वेरी आ रही थी कि वॉल्टन बूटी में सारी चीजें ठीक है बट इसमें कहीं ना कहीं सस्पेंशन की आप लोगों को कमी मिल रही थी, तो कंपनी ने आपकी सुनते हुए अब इसके सस्पेंशन भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा और उसी के साथ साथ मैं एक बार आपको बैक में भी दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसके बैक में भी अब आपको स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वॉल्टन बूटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि ये वॉल्टन बूटी आप कितने में परचेज कर सकते हैं, इसमें कितनी मोटर मिलती है, इसमें कितनी रेंज मिलती है, इसमें कितनी बैटरी मिलती है। और सबसे अच्छी बात वॉल्टन कंपनी की मेरे को ये लगती है कि वॉल्टन कंपनी अपने हर इलेक्ट्रिक साइकिल में LFP बैटरी यूज करती है, मीन्स लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज करती है जो कि काफी ज्यादा सेफेस्ट बैटरी होती है और काफी अच्छी आप लोगों को रेंज प्रोवाइड कर देती है। ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वॉल्टन बूटी में आप अपने अकॉर्डिंगली कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप लोगों की क्वेरी आती है कि इनका मैंने नंबर नहीं प्रोवाइड किया, गाइज मैं नंबर हमेशा देता हूँ, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली चैट करके इनके कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं और अपनी वॉल्टन बूटी को घर पे डिलीवर करा सकते हैं, क्योंकि वॉल्टन बूटी पैन इंडिया अवेलेबल, आप पैन इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी करा सकते हैं और इसमें आपको EMI का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। इस सारी चीजें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि आपको रैलसन कंपनी के इस वॉल्टन बूटी में टायर्स देखने को मिलेंगे जो कि 20x3 सेक्शन के टायर दिए गए। और आप एक चीज देखेंगे कि आपको वॉल्टन बूटी में डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए डिस्क ब्रेक होने से ये फायदा होता है कि आपकी ब्रेकिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी राइडिंग कंफर्ट के लिए जिस चीज की कमी थी वॉल्टन बूटी में कंपनी ने वो दूर कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा और उसी के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज मींस एक टोकरी टाइप से देखने के लिए मिलेगी। गाइस एक चीज बताना चाहूंगा वॉल्टन बूटी के बारे में, आप देख सकते हैं वॉल्टन में कोई भी प्लास्टिक आइटम यूज नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मडगार्ड यूज किया गया है वो आपको मेटल का देखने के लिए मिलेगा, जिससे इसकी फिनिशिंग भी जो है वो काफी अच्छी यहाँ पे निकल के आ रही है। और इसी के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने के लिए मिलती है। तो चलिए मैं एक बार इस लाइट को जला के भी आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसके कारण रात की आपकी विजिबिलिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं इसके हैंडल बार पे, देखते हैं इसमें हमारे को क्या क्या चीजें देखने के मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे राइट हैंड हैंडल बार से। तो राइट हैंड हैंडल बार पे आपको सबसे पहले तो इस वॉल्टन बूटी को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक की देखने के लिए मिलेगी, जिससे आप अपनी वॉल्टन बूटी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ से इसको अनबॉक्स भी कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको बैटरी लेवल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ राउंड शेप का आपको बैक मिरर भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे ये जो है ये आपका थ्रॉटल है जो कि आप अपनी वॉल्टन बूटी को चलाते टाइम यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड हैंडल बार पे, तो लेफ्ट हैंड हैंडल बार पे आपका हेडलाइट का ऑप्शन दिया गया है और ये है पैडल असिस्ट जो कि मैं आपको जल्दी बताता हूँ। और इसी के नीचे आपको हॉर्न का असिस्ट दिया गया है। जी हाँ, आपको वॉल्टन बूटी में हॉर्न का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए एक बार इसको हॉर्न भी प्रेस करके देख लेते हैं। देख सकते हैं काफी डिसेंट सा हॉर्न आपको यहाँ पे दिया गया है। और उसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो वॉल्टन बूटी है मेटल फ्रेम पे बनाया गया है, जिसके कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है
वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और जैसे कि मैंने गाइज आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों को जो कमी थी मीन्स आपके सस्पेंशन की, वो भी पूरी कर दी गई है। और यहाँ पे आपको रेयर में जो है स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे। ये दूसरी गाड़ियों की तरह सिंगल सस्पेंशन ही गाइज, आप देख सकते हैं आपको दोनों साइड पे मीन्स ड्यूअल सस्पेंशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ इस वॉल्टन बूटी का जो फ्रेम है गाइज, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है और सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेटल में इस वॉल्टन बूटी को बनाया गया है और ब्रांडिंग भी काफी अच्छी करी गई है, जिसके कारण इस वॉल्टन बूटी की खूबसूरती जो है काफी अच्छी निकल के आती है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आपको हर जगह मेटल देखने के लिए मिलेगा, पैक में भी आपको मेटल देखने को मिलेगा। बात करोगे रेयर टायर की तो रेयर में भी आपको 20x3 सेक्शन का ही टायर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेम रैल्सन कंपनी का टायर है। और इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो है 250 kg की। जी हाँ, ये 250 kg तक का लोड जो है बेयर कर सकती है। बात करो अगर आपकी रेयर की मोटर की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 250 वॉट की BLTC मोटर देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपकी वॉल्टन बूटी की जो मैक्सिमम स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 25 km/h की। और ऐसा ही नहीं कि ये वॉल्टन बूटी जो है वो आप पैडल असिस्ट पे भी चला सकते हैं। जैसे कि गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये जो गियर का मोड दिया गया 1, 2, 3, ये एक्चुअली आपके पैडल असिस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने पैडल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको दिखाता भी हूँ। तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट मोड। तो फर्स्ट मोड पे अगर मैं इस साइकिल को पैडल करता हूँ तो क्या होता है, तो चलिए एक बार दिखाता हूँ मैं। तो देखिए गाइज, मैंने पहला मोड लगा दिया और उसके बाद मैं अपनी साइकिल को चलाता हूँ, थोड़ा सा और पैडल करिए। अब ये देख सकते हैं जितना पैडल हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आपका रेयर व्हील घूम रहा है। इट्स मीन कि इसमें मोटर जो है वो भी काम कर रही है और इसमें बैटरी कंजप्शन जो है वो काफी ज्यादा कम हो रही है। क्योंकि देखिए इस इलेक्ट्रिक साइकिल में आपको डिफरेंट बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसकी जो रेंज है वो है 50 km तक की। ये भी चीज मैं आप लोगों को जल्दी बताता हूँ, लेकिन अभी उससे पहले इसका सेकंड मोड लगा कर दिखाता हूँ। तो भाई एक बारी प्लीज सेकंड मोड लगाएंगे। तो वो यहाँ हो गया है सेकंड मोड। अब सेकंड मोड पे पैडल से चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये जो रियर टायर है अब ज्यादा स्पीड से घूमने लगा है। मीन्स आपको पैडल असिस्ट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। देखिए पैडल असिस्ट यूज करने से फायदा ये होता है कि आपकी बैटरी कंजप्शन जो है वो लो हो जाती है और आपकी जो ये वॉल्टन बूटी की साइकिल है वो आपको अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर देती है। अब गाइस बात करता हूँ रेयर साइड की, तो रेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो लाइटें दी गई है। आप देखिए ये जो लाइटिंग है ये रात में काफ़ी अच्छा आपको रोड अपीयरेंस प्रोवाइड करती है और ये जो है आपकी बैक लाइट है जो कि रात में आपकी रोड सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी के साथ साथ बढ़ता हूँ इसके नीचे की साइड में, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ वॉल्टन बूटी में रेयर में भी डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण इस वॉल्टन बूटी की जो ब्रेकिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है। आप एक चीज देखेंगे गाइस, यहाँ पे आपको रेयर में भी एक लाइटिंग दी गई है जो ब्लू कलर की लाइटिंग चलती है, जिसके कारण जब ये रात में ये जो वॉल्टन बूटी जब चलती है तो इस वॉल्टन बूटी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसी के साथ साथ मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा गाइज, यहाँ पे ये जो सीट दी गई है आपकी बैटरी इसके नीचे लगाई गई है और ये सीट भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। देखिए सस्पेंशन होने के बाद फ्रंट और रेयर में इसकी जो राइडिंग कंफर्ट है वो ऑलरेडी बढ़ गई है और इसी के साथ साथ आपकी जो सीट है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। अब गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो रेंज है वो आपको 50 km तक की रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इस वॉल्टन बूटी को 50 km तक सिंगल चार्ज पे चला सकते हैं। अगर पैडल असिस्ट यूज करते हैं तो इसकी रेंज आप 70-80 km तक की भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने पैडल असिस्ट को कस्टमाइज कर लीजिए और पैडल असिस्ट के साथ आपको ये वॉल्टन बूटी काफी अच्छी रेंज प्रोवाइड कर देती है। बात कर रहा था मैं यहाँ बैटरी की, तो इसमें आपको दो बैटरी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला है 50 km का, दूसरा है 100 km का। अब जो 50 km वाली बैटरी के साथ आपका ये जो वॉल्टन बूटी है ये आप लोगों को केवल कॉस्ट करेगा 39,400 रुपए का, जिससे आप EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वॉल्टन बूटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, इस वॉल्टन बूटी का एक दूसरा वर्जन भी आता है जो कि इसका और अपर वर्जन है, जिसमें आपको 100 km तक की रेंज मिल जाती है। अब 100 km की रेंज जो है वो 120 भी हो सकती है, क्योंकि आप पैडल असिस्ट का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस वॉल्टन बूटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।